आज पवन सिंह के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उन्हीं के सोलफुल वॉइस में गाई हुई हनुमान चालीसा जो रिलीज होने वाली। लेकिन पवन सिंह हो या फिर उनके लिए बहुत ही खास दिन हो, इससे कोई है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कोई और नहीं उन्हीं ज्योति सिंह हैं। उन्होंने हाल ही में 2 से 3 दिन पहले 2 पोस्ट किए थे और दोनों पोस्ट काफ़ी पेनफुल हैं, और उन पोस्ट को पढ़ने के बाद कोई भी कह सकता है कि अपनी शादी से खुश नहीं है ज्योति सिंह। तो आइए हम बताते हैं कि पहले उन्होंने पहले पोस्ट में क्या लिखा और फिर उन्होंने दूसरे पोस्ट में क्या लिखा। उन्होंने पहले पोस्ट में लिखा है, सुकून कि तू यही है कि अब मैं दिल में कुछ नहीं रखती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि ज्योति सिंह ये कहना चाहती हैं कि उन्हें सुकून है कि अब उनके दिल में पवन सिंह नहीं रहते और इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी पोस्ट तो उन्होंने इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले की, मैरिंग लेट बेटर देन मैरी रॉन्ग, यानी कि आप गलत इंसान से शादी करो, इससे अच्छा है कि आप शादी लेट करो। यहाँ पर पवन सिंह को सीधे सीधे टारगेट किया है ज्योति सिंह ने, यानी पहले में तो आप ये लगा सकते हैं कयास कि हो सकता है ये बात उन्होंने किसी और के लिए लिखी हो पहले पोस्ट की बात करें तो, लेकिन दूसरे पोस्ट के लिए तो उन्होंने सीधे सीधे अपनी शादी में हो रही जो कलबली है, जो उठापटक है, उसके लिए ये कहा है कि आप लेट शादी करो चलेगा, लेकिन आप किसी गलत इंसान से शादी मत करो। गलत इंसान यानी कि आप समझ सकते हैं वो किसे कहना चाहती हैं। इससे पहले भी अगर हम पवन सिंह की लाइफ को देखें, उनकी पर्सनल लाइफ को देखें, तो अक्षरा सिंह का एक्सपीरियंस उनके साथ कड़वा ही रहा है, और फिर उससे भी पहले देखें तो नीलम सिंह, जी हाँ, जो पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं, उनका भी एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने तो पवन सिंह के ही घर में आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी अपने आप को और आत्महत्या कर ली थी। और अगर उससे भी पहले आप जाएंगे, जब पवन सिंह ने भोजपुरी में अपना करियर स्टार्ट किया था और वो धीरे धीरे पीक पे पहुंच रहे थे, तो भाई उनका नाम रानी चटर्जी से जुड़ा, जिसमें जब इनका विवाद हुआ था रानी से, तो रानी ने इनके खिलाफ काफ़ी कुछ कहा था। वो बात अलग है कि अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बात करें उनकी पहली शादी और उनके पहली पत्नी से उनके रिश्तों की, तो वो भी कड़वा ही रहा है। रीना रानी से उनका कोई अच्छा तालमेल नहीं रहा, जिसकी वजह से इन दोनों का बहुत जल्द ही डिवोर्स हो गया। काफ़ी लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि पवन सिंह ने कभी उनसे शादी की थी। और हाँ, गाहे बगाहे उनके कई ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं जो कभी मीडिया में नहीं आए, लेकिन उनका भी अंत कुछ अच्छा नहीं हुआ है। फिर क्यों पवन सिंह के साथ ऐसा हो जाता है कि पर्सनल लाइफ में बात करें तो वो खुशी उनको नहीं मिलती जो उनके प्रोफेशनल लाइफ में मिलती है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जिस के वजह से ये चीज़ें उनके लाइफ में जो लड़कियां हैं वो पसंद नहीं आती, वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे पाते। फिर कुछ का ये कहना है कि भाई पवन सिंह का इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि पवन सिंह के पास टाइम ही नहीं रहता है पर्सनल रिश्तों के लिए, क्योंकि वो कभी पार्टी का कैंपेन करते हैं, बीजेपी की पार्टी का कैंपेन करते हैं, तो कभी स्टेज शो करते हैं, कभी शूटिंग में बिजी रहते हैं, तो कभी एल्बम्स करते हैं, और कभी अगर इन सब से फुर्सत ही मिली पवन सिंह को तो कुछ क्षण वो अपने लिए जो बिताते हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं, लोगों का ये मानना है। इस लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि भोजपुरी का अमूमन हर आर्टिस्ट आराम कर रहा था सिवाय पवन सिंह के। पवन सिंह कुछ वक्त अपने ससुराल बलिया में भले गए थे, लेकिन लगता है बात नहीं बनी, पवन सिंह को वहाँ यानी बलिया से अकेले आरा आना पड़ा, और फिर वो अपने काम में जुट गए। अपने एल्बम्स उन्होंने निकाली, उन्होंने अपने गाँव में अपने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की, और उसके बाद अपने आरा वाले घर पर वो चले जाते हैं जो कि उनकी दूसरी पत्नी नीलम के नाम से समर्पित है। आपने देखा होगा हमारी एक स्टोरी में जिसमें हमने आपको दिखाया था कि नीलम के नाम पर वो घर उन्होंने बनवाया है। खैर, यहाँ पर ये बात भी बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीलम के भाई को आज भी पवन सिंह अपने साथ ही रखते हैं। खैर, 100 तरह की बातें हैं, 100 तरह के लोग हैं, तो आपको 100 तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों में कड़वाहट बुरी तरह से आ चुकी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।